हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं महेश कुमार और आप देख रहे हैं आराधना कंप्यूटर सेंटर। मैं आज आप लोगों को एक नया टॉपिक कंप्यूटर का लेके आया हूं, एक नया पार्ट्स जिसका नाम है कीबोर्ड्स। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा होगा, कीबोर्ड्स की पूरी जानकारी आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ। और कीबोर्ड्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और इसमें कितने भाग होते हैं, इससे क्या क्या कर सकते हैं, इसमें कितने कीज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप इस टॉपिक में बात करने वाला हूं। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपका दोस्त भी और आपके सहभागी भी आप इसको वीडियो को देख सकें और उसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करने से हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाएगा, ताकि आप उसको फिर से देख सकें और जो जानकारी हम आपको अपलोड करें वो आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कीबोर्ड्स, तो कीबोर्ड्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं, कीबोर्ड सबसे पहले है आपका। तो कीबोर्ड्स में कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पर पहला होता है सैंपल कीबोर्ड, दूसरा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अब सैंपल कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स से बताने से पहले हम आपको कीबोर्ड्स के हिंदी नाम बता दें। की माने कुंजी होती है, बोर्ड माने बटन होता है, तो कुंजी पटल होता है इसका हिंदी नाम होता है कीबोर्ड्स का, कुंजी पटल। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला होता है सिंपल कीबोर्ड। सिंपल कीबोर्ड्स और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में फ़र्क क्या है? सिंपल कीबोर्ड में आपके इंटरटेनमेंट की सारी चीज़ें नहीं रहती हैं और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में इंटरटेनमेंट की चीज़ें मिलती हैं, मतलब कीज़ मिलती हैं, जैसे पाउस, ब्रेक वगैरह, ये सब सारी चीज़ें हमारे मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। आप देखिए कीबोर्ड्स में कितने प्रकार होते हैं, कीबोर्ड्स क्लासिफिकेशन आप कीबोर्ड यहाँ पर दिखाया है। तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए आपको कीबोर्ड्स को चार भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पहला कीज होता है फंक्शन कीज, दूसरा होता है अल्फानुमेरिक कीज, तीसरा होता है स्पेशल की, और चौथा होता है न्यूमेरिक कीज यार कैलकुलेटर कीज। इसको चार भागों में कार्य करने के आधार पर इसको बांटा गया है। वैसे इसका प्रकार जो होता है, ऊपर हमने आपको बता दिया है सैंपल कीबोर्ड, दूसरा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लासिफिकेशन आप कीबोर्ड, तो कीबोर्ड में पहला होता है फंक्शन कीबोर्ड। अब मैं आपको फंक्शन कीबोर्ड और अल्फानुमेरिक कीबोर्ड और स्पेशल कीबोर्ड, न्यूमेरिक और कैलकुलेटर कीज, ताकि आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि फंक्शन कीज के अंतर्गत कितने कीज आते हैं, अल्फानुमेरिक कीज के अंतर्गत कितने कीज आते हैं, स्पेशल कीज के अंतर्गत कितने कीज आते हैं, न्यूमेरिक या कैलकुलेटर कीबोर्ड्स के अंतर्गत कितने कीज आते हैं। वैसे पूरे कीबोर्ड्स में 104 लगभग 104 बटन होते हैं। तो मैं आप एक एक पार्ट्स आपको बताने वाला हूँ और एक एक फंक्शन एक एक कीज को जानकारी देने वाला हूँ। तो आज ही आप बात करते हैं। पहला होता है फंक्शन कीज, तो फंक्शन कीज के अंतर्गत आते हैं जो हमारा फंक्शन की होता है। ऊपर सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर, यहाँ से F1 से लेकर के F12 तक ये हमारे फंक्शन कीज होते हैं, जो कि ये स्पेशल होते हैं, स्पेशल जगह पे यूज किए जाते हैं या जैसे खास यूज किए जाते हैं। तो हम अगर मान लीजिए सिस्टम को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे Alt+F4 का प्रयोग करते हैं। अगर हम किसी मैटर को रीनेम करना चाहते हैं तो हम रीनेम राइट करते पहले रीनेम करते हैं, और अगर हमें शॉर्टकट की यूज़ करना है तो F2 डायरेक्ट हम प्रेस करके हम रीनेम कर सकते हैं। दूसरा पार्ट्स हम आपको बताएंगे अल्फानुमेरिक कीज। अल्फानुमेरिक कीबोर्ड्स में क्या आते हैं, जैसे उसमें तीन तरह के बटन प्राप्त होते हैं। जैसे पहला होता है आपका 01 से लेकर 9 तक अंक पर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपके अंक प्राप्त होते हैं, अंक भी आप लिख सकते हैं। दूसरा होता है अल्फ़ाबेट प्राप्त होते हैं, मतलब A से लेकर Z तक, A से लेकर जितने भी आपके अल्फ़ाबेट होते हैं वो आपके यहाँ पर दिखाई देंगे। तीसरा होता जो स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर के अंतर्गत कैसे क्या आते हैं, तो स्पेशल कैरेक्टर के अंतर्गत जैसे आपके कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो हम एज ए बता दिए हैं संबोधन, $#%, एंड मल्टीप्लाई एंड ब्रैकेट माइनस, तो इस तरह से आपके स्पेशल कैरेक्टर के अंतर्गत आने वाला है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो स्पेशल कैरेक्टर के आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि स्पेशल कैरेक्टर होता कहाँ है। स्पेशल कैरेक्टर आपका ये जो आप देख रहे हैं अल्फानुमेरिक कीज़ के अंतर्गत आने वाले कीज़ का के अंतर्गत जो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें आपको दो बटन प्राप्त होते हैं। तो दो बटन जो होते हैं आपका 0-1 से लेकर 9 तक,
और स्पेशल करेक्टर। तो इसमें दो बटन, एक बटन पर दो मैटर लिखे रहते हैं। तो दो मैटर लिखने का हम दोनों का कैसे प्रयोग करते हैं, तो दोनों का प्रयोग कर मैंने हम देखेंगे ऊपर जो देखा अपन आपका जो मैटर छपा रहेगा प्रिंट किया रहेगा, तो वो आप ऊपर वाला लाने के लिए शिफ्ट का प्रयोग करेंगे, और अगर नीचे का लाना होगा तो आप बिना शिफ्ट का ही प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में? तो हमें अगर स्पेशल कैरेक्टर का यूज करना है तो हम शिफ्ट का हमेशा याद रखिए शिफ्ट का प्रयोग करेंगे, और अगर हम नंबर का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप नंबर का प्रयोग कर सकते हैं ओनली कीज। अब आगे तीसरा कीज है आपका स्पेशल कीबोर्ड्स। तो स्पेशल कीबोर्ड्स मैं आपको बताऊंगा। तो स्पेशल कीज देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह, इसलिए इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका होम आता है, इंड आता है, पेज अप आता है, पेज डाउन आता है, इंसर्ट आता है, डिलीट, मतलब ये सब हमारे कीज जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्पेशल कीबोर्ड्स। स्पेशल कीबोर्ड में हम जैसे होम का प्रयोग करना चाहते हैं तो हम लाइन के शुरुआत में जाने के लिए होम प्रयोग करते हैं, इंड का प्रयोग करते हैं लाइन के अंत में जाने के लिए हम इंड का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए हम नीचे हैं, पेज के नीचे हैं, डायरेक्ट हमें ऊपर जाना हो तो पेज अप का प्रयोग करेंगे, पेज अप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद पेज डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर पेज डाउन का मतलब ये होता है कि पेज के ऊपर हैं तो पेज के नीचे जाने के लिए पेज डाउन का प्रयोग करते हैं। इंसर्ट की क्या होता है, अगर दो शब्दों के बीच में एक शब्द को शामिल करना हो तो इंसर्ट प्रयोग करते हैं। डिलीट का प्रयोग करते हैं, डिलीट मतलब होता है ख़त्म करना, किसी मैटर को सेलेक्ट किए हैं तो उसको हम ख़त्म करने के लिए डिलीट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम न्यूमेरिक कीबोर्ड्स। न्यूमेरिक कीबोर्ड में आप जैसे आप नाम से ही पता चलता है आपको, न्यूमेरिक मतलब अंक होते हैं, तो अंकों वाली संख्या हमारे न्यूमेरिक कीबोर्ड यहाँ ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर 0, 1 से लेकर 9 तक अंक प्राप्त होते हैं, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई मतलब ये सब सारी चीज़ें हमें प्राप्त होते हैं न्यूमेरिक कीबोर्ड्स के अंतर्गत। तो आप यहाँ पर नम लॉक बटन होगा तो उस नम लॉक के ऊपर देखेंगे यहाँ पर तो नम लॉक बटन आपको प्राप्त होंगे। तो नम लॉक बटन में जब तक वो बत्ती जलती रहेगी और आपकी लाइट ऑन रहेगी तब तक ये काम करेगा, लाइट बंद कर देंगे तो आप यहाँ पे नम लॉक ऑफ कर देंगे तो हमारा ये कीज़ काम करना बंद कर देगा। अब आगे आपको मिलेगा मॉडिफायर कीज़। मॉडिफायर कीज़ क्या होते हैं इसमें, तो जैसे इसमें लिखा शिफ्ट कंट्रोल आफ्टर अल्टर विंडोज़, मतलब ये सब कीज़ क्या होते हैं, ये सब कीज़ हमारे किसी दूसरे कीज़ के साथ प्रयोग किए, जैसे विंडोज़ आर करते हैं तो हमारा रन प्रोग्राम खुलता है, शिफ्ट के साथ कोई बटन प्रयोग करते हैं तो कैपिटल लेटर आता है, कंट्रोल के साथ हम कोई मैटर करना तो कॉपी पेस्ट वगैरह हम करना चाहते हैं तो कंट्रोल का प्रयोग करते हैं, अल्टर का प्रयोग करके हम जैसे हम अपने सिस्टम को बंद करना चाहते हैं तो अल्टर या F4 दबाएंगे और हमारा सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो मतलब ये हमारे कीबोर्ड में मॉडिफायर कीज़ के अंतर्गत पाए जाते हैं। और कुछ कीबोर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे यहाँ पे कीबोर्ड यहाँ पे देख नीचे देख सकते हैं एरो मूवमेंट। एरो मूवमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम पेज डायरेक्ट हमें एक एक करके हमें पेज के ऊपर जाना हो तो पेज अप करेंगे, और एक एक करके नीचे आना हो तो पेज डाउन करेंगे, और अगर हमें लेफ़्ट जाना हो तो लेफ़्ट देख जा सकते हैं और राइट जाना हो तो राइट का प्रयोग करके हम यहाँ पर आसानी के साथ जा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और कीबोर्ड्स की पूरी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो गई। अगर कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए या कोई आपको मिस्टेक लगे कि आपको ये नहीं भूल गए हैं तो आप कमेंट में आप उस क्वेश्चन को करिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। आई होप हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो हमारे लाइक एंड शेयर करें और कमेंट भी करें ताकि हम कमेंट का जवाब दे सकें, आपकी हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं हूं महेश कुमार, आप लोगों को मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन मिलेगा तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उसको देख सकें। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।